जम गई डल लेक, बर्फ की बिछी चादर, धरती का स्वर कहे जाने वाला कश्मीर इस समय ठंड से ठिठुर रहा है। कश्मीर में कई दिनों से जारी शीतलहर के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और तापमान -5.4 डिग्री नीचे चला गया है। जैसे जैसे कश्मीर इस ठंड से जूझ रहा है, वैसे वैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, एक नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं, तो लेकिन कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी है। आज रात को -5.4 चल रहा था, तो हर साइड से यक जमी हुई है। तो इस वक्त भी हम सवेरे, इस वक्त तो 9 बज चुके, 9 से ऊपर ही है, तो माइनस ही अभी है। पानी अगर जहां पर भी डालते हैं तो जम जाता है। तो अल्लाह ताला के इस खत्ते का लोगों ने बहुत अच्छा, जो इसका एक अपनी खूबसूरती है, उसका मज़ा, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं। इस वक्त पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है, ख़ासकर यहाँ पर हमारे लाल चौक घंटाघर के सामने कल एक बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ। उसके बाद भी यहाँ गुलमर्ग में या बाकी जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहाँ पर अच्छा खासा रश रहा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जो सर्दी का जो ये हाल है इस वक्त यहाँ पर, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि कोई इसमें रियायत हो जाए, बर्फ़बारी हो जाए, बर्फ़बारी से थोड़ी सी इसमें रियायत, क्योंकि बहुत सारे बीमार बच्चे हमारे बीमार हो गए, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सुबह निकल नहीं पाते हैं, या बाकी भी हम जवान भी, जो जितने भी जवान भी है उनको भी काफ़ी परेशानी है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, सभी इसमें मुबतला है। तो हम चाहते हैं कि, दुआ करते हैं कि जो मौसम इस वक्त है, जिस चीज़ का मौसम है, खासकर बर्फ़बारी का मौसम कश्मीर में है, जिससे यहाँ की जो शानी रफ्ता है वो दुबला हो जाती है, तो यहाँ बर्फ़बारी हो जाए तो हम उससे काफ़ी मुस्तफीद भी हो जाए और खुश भी हो जाए। यहाँ लोगों को इस ठंड की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोग ठंड से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों की बात करें तो पर्यटक इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। हम अभी कल ही रात को यहाँ पे लेट नाइट यहाँ आए, हमने यहाँ नज़दीक दल झील के नज़दीक में एक होटल लिया है और हम अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय पीने के लिए निकले हैं और हम दल झील पर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पतली पतली बर्फ़ की परतें जमी हुई है और यहाँ वॉक कर आए हैं। यहाँ पर जो बीच में रास्ता रहा उसमें बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ तक हम घूमने का आनंद लेना चाह रहे हैं वहाँ तक हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ का मौसम, यहाँ का माहौल, यहाँ पर जिस तरीके का भाईचारा है, उस तरीके से हम अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। कितना बदलाव लगा आपको यहाँ पे आके? डेवलपमेंट को देखकर कहा जाए तो यहाँ के लोगों में काफ़ी डेवलपमेंट है और बिजनेस, रोजगार भी काफ़ी है देखने को मिला। हाँ, साल का पहला दिन है हम दल झील के ऊपर, हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर घूमने आए और इसलिए जम्मू कश्मीर घूमने आए, अभी लास्ट 8 महीने पहले ही हम आकर गए थे, लेकिन हमारे 2-4 साथ के हमारे भाई लोग, हम सब तैयार हुए, तो हमें अच्छी जगह लगी थी पिछली बार आने में, इसलिए हमें दोबारा आने में कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।